नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को संवारने का हर किसी को हक होता है। और जब इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज ने ये काम शुरू किया तो उस पे मुस्लिम कट्टरपंथियों की नज़र जो है वो टेढ़ी हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, एक औरत के स्ट्रगल की कहानी है ये। पूरी वीडियो देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की जमात किस तेजी से अपने पैर फैला रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज, जो आज की तारीख में कट्टरपंथियों के निशाने पे आ गई है। उसका गाया हुआ शिव भजन मौलवियों को नागवार गुजर रहा है। उसके गाए हुए भजन को वो हराम बता रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि फरमानी नाज ने इससे पहले भी कई भजन गाए हैं, लेकिन तब कोई शोर शराबा नहीं हुआ। एक और बात बताती हूँ मैं आपको, बहुत दिलचस्प। भारत के जो प्रसिद्ध गायक हुए हैं मोहम्मद रफ़ी, उन्होंने न जाने कितने भजन गाए, कितने प्रसिद्ध मुस्लिम गीतकारों ने भजन लिखे। कभी शोर नहीं मचा, कभी शोर नहीं उठा कि एक मुस्लिम होकर के आप हिंदू भजन कैसे गा सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, सैफ जैसे कलाकार जब नाच नाच के गाते हैं, इवन भजन भी गाते हैं, तब कभी मुस्लिम कट्टरपंथियों को उनमें हराम नज़र नहीं आता है। इंडियन आइडल का जो 12वां वर्जन था उसमें मुस्लिम गायक दानिश ने भी माँ शेरावाली के लिए एक भजन गाया था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन तब मुस्लिम कट्टरपंथियों को वो हराम नहीं लगा। इससे मुस्लिम कट्टरपंथियों का दोहरा चरित्र सामने आता है। जो पावरफुल है उसे मत छेड़ो, जो अबला है उस पर अपनी कट्टरपंथी सोच को थोप दो। यहाँ हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 तलाक खत्म करने के फैसले को भी याद करना चाहिए और उसके दूरगामी परिणाम पर भी विचार करना चाहिए। 3 तलाक खत्म होने से जहाँ महिलाओं में एक सशक्तिकरण हुआ है, उनमें पावर आई है, वहीं वे आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रही हैं और देश के विकास में सहभागी बन रही हैं। दरअसल देश विरोधी कट्टरपंथी यह नहीं चाहते कि भारत विकास के मोर्चे पे आगे बढ़े, मजबूत बने, इसलिए वे अपनी दकियानूसी सोच को समाज में जिंदा रखना चाहते हैं, उसे पोषित करना चाहते हैं। अब देखिए, मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि इस सिलसिले में वो ये कहेंगे कि इस्लाम में शरीयत के अंदर कोई भी किसी तरह का गाना गाना जायज़ नहीं है। मुसलमान होते हुए अगर कोई गाना गाता है तो ये गुनाह है। किसी भी तरीके के गाने हो उसे परहेज करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। फरमानी नाम की ये महिला ने गाना गाया है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये वो कह रहे हैं। मुसलमान होने के बावजूद ऐसे गाना गुनाह है। और महिला को, देखिए, महिला को इससे परहेज करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। पुरुषों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली फरमानी अपने भक्ति गीतों को YouTube पर अपलोड करती है। सावन के महीने में उनका हर हर शंभू भजन बहुत लोकप्रिय हुआ, घर घर में बजा, लेकिन उनकी लोकप्रियता और शिव भजन मौलवियों को रस नहीं आया, पसंद नहीं आया। नाच के भजनों के लिए कट्टरपंथियों ने फतवा तो जारी किया नहीं, लेकिन उन्होंने इसे हराम बताया। नाज इंडियन आइडल में भी गाना गा चुकी है, लेकिन अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे वापस लौटना पड़ा। और वो बेचारी खुद ये कहती है कि हम जब कवाली करते हैं तो भजन भी गा लेते हैं। पहला भजन उन्होंने घनश्याम तेरी बंसी गाया था, भाई के साथ उसने कई भजन गाए हैं, गाँव में भी उनके भजन सब लोग बहुत खुश होकर सुनते हैं, गानों की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि एक कलाकार है, उनके अंदर एक कलाकार है, वो एक कलाकार है, उन्हें बतौर कलाकार गीत गाने पड़ते हैं, लेकिन कोई समझे तब तो।
फरवानी ये भी कहती हैं कि वो एक भक्ति चैनल चलाती हैं जिसपे कई भक्ति गीत गाए हैं, राधा कृष्ण के भी भजन गाए हैं, गीत गाए हैं, और उनको अच्छी आवाज़ मिली है, तो वो अपने हुनर का आगे बढ़ के इस्तेमाल क्यों ना करें। साथ में उसका ये भी कहना है, इनफैक्ट मैंने खुद उसको देखा है, कभी उनके सर से कपड़ा नहीं सरका, कभी उन्होंने किसी के धर्म का अपमान नहीं किया। 2017 में शादी होती है और 2018 में एक बेटा होता है। बेटे को कुछ ऐसी बीमारी थी जिसके बाद पति और ससुराल वालों ने छोड़ दिया, बजाय उस छोटे बच्चे को दवा दिलवानी, उसका इलाज करवाना, उसके बजाय उन्होंने उसको छोड़ ही दिया। इसके बाद जिंदगी जीने के लिए उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। ऐसे में जो हुनर उसके अंदर था, उस हुनर को इस्तेमाल किया और उस हुनर से उसने अपना परिवार चलाना शुरू किया। तो इसमें खराबी कहाँ से आ गई? परमानी की कहानी बड़ी दुख भरी है। उसे बिना बताए उसके पति ने तलाक भी नहीं दिया और दूसरी शादी भी कर ली। उसका सवाल यहाँ पर बहुत जायज है। वो कहती है कि उस समय उलेमा कहाँ थे जब उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। इस मामले में कभी किसी ने उसका दुख नहीं समझा। आज जब गाना गा करके वो अपने बेटे को पाल रही है तो लोगों को आपत्ति हो रही है। उसके इस गाना गाने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोग गानों को पसंद कर रहे हैं। बच्चे के भविष्य के लिए को लेकर के उसने गाना गाने का कदम उठाया है। बल्कि वो ये भी कहती है कि सरकार को भी कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि उसके साथ अन्याय ना हो। और फरमानी लड़कियों के आत्मनिर्भर होने को समाज के लिए बहुत अच्छा बताती हैं। जो लड़कियां अपने टैलेंट पे आगे बढ़ती हैं वो उसकी पहली पसंद है, वो लड़कियां फरमानी की। तो ये समझ से परे की बात है कि फरमानी को लेकर के मुल्ला मौलवी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन्हें हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं, बॉलीवुड के फेमस गायक मोहम्मद रफ़ी, उन्होंने कई भजन गाए, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी कट्टरपंथी ने उन्हें हराम कहा हो। मोहम्मद रफ़ी का भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज आज भी कई घरों में सुबह सुबह सुना जाता है। और इस गाने के गीतकार जो हैं वो मुस्लिम हैं और इस गीत को अपने जो आवाज़ दी है वो मोहम्मद रफ़ी ने दी है। मोहम्मद रफ़ी के कई और भी अच्छे अच्छे भजन हैं, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे लाले, बैजूआवरा का ये भजन है 1952 का, जिसे शकील बदायूं ने लिखा और इसका संगीत दिया नौशाद ने और इसको आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने। एक और बड़ा उनका खूबसूरत भजन है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, साहिर लुधियानवी ने लिखा इसे और रोशन ने इसके संगीतकार हैं, आवाज़ फिर मोहम्मद रफ़ी की ही है इसमें। एक और भजन मैं आपको बताना चाहूँगी जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये इसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और इसको लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और इसको गाया मोहम्मद रफ़ी ने। कई भजन ऐसे हैं उनके जो आज भी घरों में गाए जाते हैं और मंदिरों में बजते हुए सुनाई देते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, कानों को बड़ा सुकून देते हैं, दिलो दिमाग को बहुत सुकून देते हैं। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, खानदान फिल्म का ये भजन है। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके संगीतकार है रवि और गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और इसको आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने। तो इनको कभी किसी ने हराम नहीं कहा। और एक औरत अपने परिवार को पालने के लिए अगर गीत गा रही है तो कट्टरपंथी सारे एक जगह जुट गए हैं और उसकी खिलाफत कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों?
आप शबनम पे बहुत बात करते हैं कि शबनम को न्याय मिलना चाहिए, तो ये जो लड़की है जो अपने बच्चे के लिए गा रही है फरमानी नाज, इसके लिए आप क्या कहते हैं? क्या इसका भजन गाना हराम है आपकी नज़र में? क्या है ये? आप मुझे अपनी राय मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।